आज आप लोगों को जो है सीपी चाइल्ड के बारे में बताएंगे। सीपी चाइल्ड होता क्या है, इसमें कौन कौन से एक्सरसाइज कराए जाते हैं और कैसे कराए जाते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो रहता है, हम लोग जो है पेशेंट के घर वाले जो रहते हैं उनको हम लोग टीच करते हैं कि आप लोग घर पर कैसे इनका केयर करेंगे बच्चे का, ठीक है, और इसमें किस तरह से पेशेंट एक्सरसाइज कराया जाएगा। तो फर्स्ट जो हम लोगों को होता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होगा, डेली करवाएंगे, इससे हम लोग जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराते हैं, मोबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेचिंग भी कराया जाता है, और जो मसल्स वीक होता है उसके लिए हम लोग स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, और जो टाइट रहता है उसको लिए स्ट्रेचिंग किया जाता है। अगर और इसके अलावा जैसे कुछ मशीनें भी रहती लगाने के लिए रहता है, ठीक है, जैसे वाइब्रेटर रहता है, वाइब्रेटर भी लगाते हैं तो इससे भी जो हम लोगों की स्पास्टिसिटी रहती है वो ख़त्म होता है, इसलिए वाइब्रेटर का यूज किया जाता है, ठीक। और जब बच्चे को हम लोग खिलौने जो रहता है टॉयज के थ्रू भी एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे कि वह बच्चा जो रहता है ध्यान देता है और एक्सरसाइज करता है, ठीक। और उसके बाद जैसे हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं स्विच बॉल होता है, स्विच बॉल के ऊपर भी एक्सरसाइज कराना चाहिए डेली टू डेली। इसमें होता क्या है, इसमें जो पेशेंट स्पास्टिसिटी 80% जो बच्चे रहते हैं स्पास्टिसिटी वाले बच्चे होते हैं, ठीक। इसमें उन दोनों लोगों का जैसे हैंड जो है फ्लेक्स हो जाएगा और हाथ जो है बंद हो जाता है, मुट्ठी बंद रहती है, ठीक है। इसको स्ट्रेचिंग करने के लिए हम लोग करना क्या पड़ता है, एक एक फिंगर का नहीं होता स्ट्रेचिंग, जब भी करेंगे हाथ पकड़ के ऐसे करेंगे और एक मिनट तक ले जाकर होल्ड करके रखेंगे, 1 2 3 4 पूरा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सात सेकंड का होल्ड करके रखेंगे फिर छोड़ेंगे, ठीक है। फिर 7 सेकंड होल्ड करके रखेंगे फिर छोड़ेंगे ऐसे करके, ठीक। ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना, ठीक, ऊपर भी ले जाते हैं यहाँ से ऐसे करके धीरे धीरे ले जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 7 सेकंड होल्ड करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे जब भी 7 सेकंड रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं 12 मिनट तक ही 12 सेकंड तक ही करते हैं, 10 सेकंड तक हो गया, ऐसा नहीं करना। हम लोग जब भी स्ट्रेचिंग करेंगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे 60 सेकंड तक, ठीक है। अगर बच्चा रोता है तब छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा देरी तक स्ट्रेच करके मत रखिएगा, क्योंकि बहुत तेज पेन होता है तो चिल्लाने लगते हैं बच्चे, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर दे के रखना चाहिए, ठीक। और उसके बाद हो गया अडक्शन, अबडक्शन, ठीक, ये सब एक्सरसाइज जो रहता है डेली बाई डेली कराया जाता है सीपी वाले जो चाइल्ड रहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पार्टिसिटी में देखिए सीपी वाले बच्चे जो रहते हैं पूरा ऐसे करके रखते हैं मुट्ठी बांध के, इसको एक्सरसाइज हम लोग एक एक उंगली का नहीं करेंगे, जब भी करेंगे ऐसे रहेगा, ये रहा ऐसे करके, यहाँ पर भी स्ट्रेच करके ऐसे 1 मिनट तक इसको होल्ड करके रखते हैं। अगर बच्चा रोता तो आप लोग छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 60 सेकंड होल्ड करके रखेंगे इसको, इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे तभी खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि ये हर न्यूरोलॉजिकली होता है, ब्रेन से ही रहता है ऐसा। लोग बाबू लेट जाओ लेट जाओ, 60 सेकंड तक पूरा हो गया, रिलैक्स, ठीक। इसके बाद ऐसे करके पीछे ले जाता है,